लखनऊ की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल आरोपी मंगलम एंटरप्राइजेस कंपनी के नाम पर दोगुना पैसा करने का लालच देकर लोगों से ठगी का काम किया करती थी। वहीं डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि थाना विभूति खंड में फरियादी अनुराग सिंह और आशीष सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि उनके साथ में तकरीबन 60 लाख रुपये की ठगी की गई है। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना विभूति खंड पे एक अभियोगवादी अनुराग सिंह और आशीष सिंह के द्वारा लिखाया गया कि उन्होंने बताया कि उनकी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिसमें कुछ लोगों ने उनको रुपए डबल करने का झांसा दिया कि उनके एजुकेशनल ट्रस्ट में आरटीजीएस से पैसा आएगा, जिससे पैसा ट्रांसफ़र करने वाले अपना टैक्स बचाएंगे और इसके बदले में उनसे कुछ रकम कैश के रूप में लेंगे। तो उनके जो इस झांसे में आने पर 60 लाख रुपये इन दोनों वादियों के द्वारा अभियुक्तों को दिए गए, और इन अभियुक्तों ने अपने दिमाग में पहले से ही उनके साथ छल कपट करने का सोच रखा था। ये छल करने के लिए जो इसके मुख्य साजिशकर्ता है सचिन सिंह, उसने एक मंगलम एंटरप्राइज कंपनी बनाई और उसके साथ में फिर इनके साथ धोखाधड़ी करी, जिसमें तीन अभियुक्त जिसमें से मुख्य षड्यंत्रकर्ता सचिन पूर्व से ही जेल में है। आज मुख्य रूप से जो दो सचिन के जो दो स्टाफ थे राहुल और रतन, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि जो पूरे मामले में जो 60 लाख रुपए वादियों के द्वारा दिए गए थे उसमें से लगभग 50 लाख रुपए ये लोग लेकर के चले गए थे, इनके कब्जे से बरामदगी हुई है। इनसे ये भी जानकारी हुई है कि इसमें एक और अभियुक्त है जिसके द्वारा कुछ रुपए लिए गए हैं। शीघ्र ही उस अभियुक्त को भी वांछित करके उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई